नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज मैं बबीना विधानसभा के रुद्र करारी बिल्टा गांव के अंदर खड़ा हूं। आज मैं बिल्टा गांव के अंदर जानना चाहता हूं यहां के आखिरकार नजदीक ही जिला पंचायत प्रधान के चुनाव नजदीक ही आ चुके हैं। आइए जानते हैं कि बिल्टा गांव का क्या है एक मन, आखिरकार इनका क्या है कहना, गाँव के अंदर क्या क्या विकास भय का नहीं भय। सर्वप्रथम मैं स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन करती हुए जो मंदिर बना हुआ है, इसके बाद यहाँ के गांव वालों से चर्चा करेंगे, इस गांव की समस्याएं पूछेंगे, क्या क्या समस्याएं और क्या रुझान है जिला पंचायत को लेकर। दादा राम राम। राम राम। चलो पास में आ जाओ। क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह, आपने कई पंचायत देखी हुई है, कई आपने जिताता हुई है हेर के फिर। क्या है आपकी इस बार जिला पंचायत का चुनाव फिर आ गए, प्रधान के आ गए, तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए आपकी नज़र में जो आपके दुख सुख में आए? और विकास सुधार हो जी और काकन विकास ही विकास प्रत्याशी गाँव में विकास काका है। विकास हो या ये गए मान लो कभी गली मली ऐसी पड़ी हैं जो विकास हो जी और हर प्रकार से यही सुविधा चाहिए और काम। नमस्कार। आप बताइए, आपने भी कई पंचवर्षी देखी। हाँ, देखी। आप हमें गांव में समझदार लग रहे हैं। आप बताइए क्या है इस बार रुझान, जिला पंचायत की बात कर रहे हैं और प्रधान की बात कर रहे हैं, कैसा जिला पंचायत चाहिए जो आपके दुख सुख में खड़े गांव वालों की समस्या सुने? जिला पंचायत सदस्य ऐसे चाहिए कि विकास हुए गांव में और दुख सुख में आए गांव में। कैसे क्या युवा चाहिए का एजेंट चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए? युवा चाहिए, पढ़ा लिखा युवा चाहिए। वैसे कौन है आपकी नज़र में, कितने लोग खड़े जा बिल्टा से? बिल्टा से यहाँ से अभी नहीं खड़ा है, अभी कोई नहीं खड़ा। आस पास के कोई गाँव के अम्मा भाई का खड़ा है। कौन खड़े? आलू। क्या लगता है आपको नजर से, कैसा युवा चाहिए आपको? चाहिए। अच्छा, हमारे बीच में और भी लोग खड़े हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या रुझान है। हाँ भाई साहब, कहाँ नाम? दादा कहाँ नाम अपना? राम सिंह। आपने भी कई पंचायत देखी होंगे चुनाव में। हाँ देखिए, तो कहा है जावा जिला पंचायत और प्रधान के चुनाव आ गए? जिला पंचायत में अच्छे सदस्य नए युवा हुए, युवा हुए काम करवाए। गाँव में क्या समस्या है आपकी? हमारी गाँव में पानी की समस्या है, जैसे नल मल लग जाए। अच्छा, नल वगैरह नहीं है और और सब सुविधा है। दादा राम राम। राम राम। कौन हो? राजा हो। कितने उम्र है तुम्हारी? उम्र 70-75। क्या बात है, चुनाव आ रहा फिर मालूम है कहाँ है जब कैसे चाहिए पढ़ो लिखो युवा का उम्र भाई का? हाँ पढ़ो लिखो। तो खड़ो तुम गाँव से कोई खड़ो है? अब ठीक। राम राम। क्या नाम आपका? आप बताइए कैसा आपका जिला पंचायत मांग रहे हो जो आपके दुख सुख में आए? हम अच्छा जिला पंचायत मांग रहे हैं, अभी तक जो जिला पंचायत बनी है जो अभी सही नहीं हुई है। अभी एक बार हमारे यहाँ के रह दी गई वोट भी ना आए, हम जब शाला बनवाएंगे सर। इस बार कौन कौन दावेदारी कर रहा है? दावे दो तीन है, सकारा से भी है, अम्बाबाई से भी है, जिसको भी टिकट मिल जाए। नया युवा पढ़ा लिखा हो, काम करने में सक्षम हो, बोलने में सक्षम हो, ऐसा नहीं कि बोलने में सक्षम ही ना हो। भाई क्या नाम है आपका? गांव के अंदर शिक्षा का अभाव है क्या? शिक्षा का भी है, सभी सभी लोग कितने रोजगार है यहाँ युवा जो ड्यूटी नहीं जा पाते, काम पर नहीं जा पाते? रोजगार में तो बहुत कमी चल रही है आपको पूरे देश में ही रोजगार। जिला पंचायत तो बनवाने यहाँ पे ही लोगों को कैसा होना चाहिए? युवा होना चाहिए, सबकी काम अगर किसी की समस्या हो उसका सॉल्व होने से। कौन है आपके? कौन युवा आपके? खालू सरदार सिंह राजपूत है, वो अम्बाला के हैं, उनकी माता जी। हाँ महिला सिंह है, उनकी माता जी हो रही हैं हमारे घर से। राजपूत समाज है हमारा, सभी राजपूत समाज एक होकर उन्हीं को विदा कराना। देख लिया आपने ग्राम बिल्टा की हकीकत क्या है, समस्या जल की है, शिक्षा का अभाव है, जो बेरोजगार हैं वे तो बेरोजगार हैं जब से कोरोना काल लगो। अब देखने वाली बात है कि जिला पंचायत कौन सा सदस्य यहाँ पर जीत के आता है और इन ग्रामीण वासियों को दुख सुख में साथ देता है। इन गांव वालों का तो एक ही कहना है कि युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। वास्तव में क्यों ना हो पढ़ा लिखा, क्यों ना हो युवा, क्योंकि दुख सुख में वही उठाया जा रहा मोटरसाइकिल और चल रहे अपने गाँव में, तो वास्तव में इनकी सोच अच्छी है। अब देखने वाली बात है कौन यहाँ के जिला पंचायत जीत कर इन दुख सुख में साथ देने का काम करेगा। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज़ झांसी।